इंदौर जिले की देपालपुर कृषि उपज मंडी में पहले ही दिन मंडी प्रशासन लाचार नजर आ रहा है और नीलामी में धांधली की बात भी सामने आई है, जहां मंडी प्रशासन ने सोयाबीन की फसल बेचने आए किसानों के लिए भोजन पानी और शौचालय की व्यवस्था और नगद भुगतान की बात कही है। हालांकि व्यवस्था वाली ऐसी किसी बात को किसानों ने स्वीकार नहीं किया है। नीलामी के दौरान देपालपुर नगर सहित आसपास के व्यापारियों का कारोबार बंद कर मंडी में सोयाबीन खरीदी के लिए नियम शर्तें लागू की गई थी। मंडी में आई कई किसानों की गाड़ियां बिना बेचे ही व्यापारियों की दुकानों पर नजर आई है। इस अवैध व्यापार से मंडी प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। इस पर मंडी प्रशासन कुछ कहने को तैयार नहीं है। मंडी प्रशासन का दावा है कि अगर कोई व्यापारी देपालपुर क्षेत्र में हर दुकान पर सोयाबीन की खरीदी बिक्री करते पाया गया तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। किसान अधिक से अधिक माल कृषि उपज मंडी में लाए, उचित मूल्य प्राप्त करे, सही तोल ले, नगद समय पे उसका भुगतान प्राप्त करे और अधिक से अधिक माल जहाँ मंडी में लाके व्यापारी बेचे, किसान बेचे। और हमने मंडी की तरफ से पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये प्रयास है कि अधिक से अधिक किसान मंडी में ही माल लाके बेचे। पानी की तो व्यवस्था जैसे किसानों के लिए पर्याप्त है। और बात यह है कि जैसे कि माल की चोरी वोरी की जो समस्या है, तो रात्रि में हमारा छुट्टीदार रहे। और दूसरी बात पे ये किसानों को भोजन की जो सुविधा है वो हमारे यहाँ टोकन सिस्टम है, इसे जो शासन की योजना है उसके अनुसार उनको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन का समय वो सुबह 9 बजे से शाम तक रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उनका माल तूलेगा, उनको भोजन मिलेगा। हमने यही प्रयास किया है, इसीलिए आज हमने मार्केट में उनका व्यापार बंद रखा। और हमारा यही उद्देश्य है कि आप यहाँ के ही व्यापार करें। नहीं, हम उसको क्या है, मंडी प्रशासन उसको पूरी तरह से प्रतिबंध करवा दे। मंडी नियम में जो है भाई उस पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी तो हमारा प्रतिबंधित है ही से मंडी का, अगर वो नहीं माने तो मंडी प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। हमें अगर अधिक परेशानी आएगी तो हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेंगे और पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। नीलामी की कैसी आप बता रहे हैं, जैसे नीलामी के बारे में, तो नीलामी तो व्यापारी और किसान के माल की मंडी वाला बोली बस विक्रय करता है, तो उसमें नीलामी में तो प्रक्रिया जो है नियमानुसार वही हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।